हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? तो गाइस आप सभी को पीछे जंगल जंगल दिख रहा है, लेकिन जंगल नहीं है, कुछ एक अच्छा जगह पे मैं लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और वहां से मैं अपना ब्लॉग को शूट कर रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि आज ट्राइपॉड खरीदने जाएंगे और कल से आप सभी को मस्त मस्त वीडियो शूट करने का आप सभी को मैं दिखाऊंगा। ऐसा तो मेरा हाइट साइज का एक ट्राइपॉड मैंने देखा है, तो पूछ के देखते हैं आखिर कितना दाम है। अगर 300 रुपये ऐसा कुछ प्राइस बता रहा था, तो चलिए अभी मार्केट जाएंगे और कैसे वाला मिलता है आप सभी के साथ मैं जरूर से शेयर करूंगा। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा धूप दिया है, तो इधर मेरा साइकिल है, तो साइकिल से अभी जा रहे हैं मार्केट जगह। आज तो मंगल बाजार नहीं है, आज संडे है, तो चलिए आज टाइम मिला है मुझको, तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को मार्केट का नज़ारा। तो चौसा बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और पीछे दुकान आप सबको दिख रहा है। तो गाइस बस स्टैंड का नज़ारा कुछ इस तरह से है और इधर रहा दुकान, और दुकान से अभी पूछना पड़ेगा स्टैंड को लेके। तो गाइस अभी मार्केट से इधर हम आ गए हैं होंडा शोरूम, तो ये बगल में ही है होंडा शोरूम। तो अभी हम मेरा दोस्त संजीत बांध्या का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शोरूम घुसेंगे ना तो दोनों से पूछताछ करेंगे सोच रहे हैं। और कौन सा बाइक ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो पॉइंट तक बने रहिएगा। आज बहुत दिनों के बाद मैं बाइक का शोरूम में घुस रहा हूँ, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है आप सभी से जरूर शेयर करूँगा। और धूप ना बहुत तेज का है, और धूप पसीना से एकदम क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। तो चलिए अभी संजीत आ ही रहा है, तो बाइक कौन सा लेना है आप सभी को दिखाएंगे जरूर से। ऐसा तो होंडा शोरूम है, तो होंडा का कंपनी का आप सबको दिखाएंगे। बस ये रहा अपना संजीत भाई, पहुंच चुका है। तो अभी हम दोनों बाइक देखने जा रहे हैं, किसका बाइक आप सबको पता चल जाएगा। तो चले अभी रेडी होकर आ गया है, तो उनके पास साइकिल नहीं था, अभी एक साइकिल में जाएंगे। चले गए पहुंचते हैं कि आवाज़ जाना। तो गए अभी होंडा शोरूम जगह पहुँच चुके हैं, तो चले अभी बढ़ते हैं आगे। कहाँ साइकिल खड़ा, अभी खड़ा कर लेंगे। तो गैज अभी शाम का वक्त है, तो अभी हम दोनों संजीत के साथ जा रहे हैं पुराना चैवासा। तो आप सभी को मेरा वीडियो में दिखते रहता था गोविंद अंग्रिया करके, जो वो भी एक यूट्यूबर बनना चाहता है, मैंने आप सभी को बताया था। तो उनके यहाँ भी जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, संजीत भी जाएंगे बोला मेरे साथ, तो जा के आएंगे उधर। और उनको बहुत सारा चीज़ में तकलीफ हो रहा है, जैसे वीडियो एडिटिंग को लेकर और अपलोड कैसे करना है और डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग सब कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ उनको कन्फ्यूज लग रहा है। तो अभी उनको समझाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, सारा प्रोसेस उनके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस अभी उनसे मिलते हैं और आप सभी को दिखाएंगे और मिलाएंगे भी आप सभी को। तो चलिए वीडियो पॉइंट तक बने रहिएगा। तो गाइस ये रहा गोविंद, रोड तो बन गया ना, अभी रोड तो बना हुआ है बोले। इधर पहले तो रोड तो नहीं बना था। ओ, ओ, ओ। अभी हम लोग गोविंद के घर जा रहे हैं, चलिए आप उनसे घर पहुंचने के बाद मिलते हैं। लाइट नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग गोविंद का रूम पहुंच चुके हैं, अरे लाइट नहीं है गोविंद का रूम में। तो गाइस अभी हम लोग गोविंद का रूम में हैं, संजीत हो गए इधर, गोविंद अंगरिया तो इन्हीं का रूम आए हुए हैं। तो इनको बहुत सारा चीज, वीडियो अपलोड कैसे करना है, टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ इनको हम बता दिए हैं, और ड्रॉइंग वर्क भी इसको सीखना है। तो
तो मुझको फोन करता था लेकिन कॉल नहीं लगता था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इससे फोन लगेगा। और कभी भी मैं आप सबको यही जानकारी देना चाहूँगा, कभी भी अगर मेरा मोबाइल अगर स्विच ऑफ बताता है तो मैसेज करना मत भूलिएगा, ताकि मैं दोबारा आप सभी को मैं कॉल बैक कर सकूँ, क्योंकि मैं ड्रॉइंग वर्क मैं करते रहता हूँ या तो ब्लॉग शूट करते रहता हूँ, तो डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से मुझको एयर मोड में रखना पड़ता है, स्विच ऑफ तो मैं नहीं करता। और गाइस ये रहा, सेकेंड हैंड लैपटॉप भी खरीदा है, इसमें एडिटिंग सीखेंगे बोलता है, बहुत सारा चीज़ को इसमें करेंगे बोलता है, तो लेकिन इसका भी नॉलेज अभी बहुत कम है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर ही लेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को सीखने में 1-2 महीना टाइम लगता है अगर कोई इंसान रेगुलर कंसिस्टेंसी रह के अगर काम करता है तो। तो चलेगा, अभी हम लोग शाम उधर घूमेंगे थोड़ा बहुत, और जो भी इंजॉय करेंगे आप सबको दिखाएंगे, तो मिलते हैं गाइस आप सभी के साथ बाहर में। हे एवरीवन, आज नेक्स्ट डे है और मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गाइस जैसे कि कल मैंने आप सबको दिखाया था कि हम दोनों संजीत के साथ होंडा के शोरूम में गए हुए थे बाइक का, तो वहां पर हम दोनों ने कुछ बाइक सेलेक्ट किए जो होंडा लिवो कुछ नाम ऐसा है, होंडा साइन SP जो भी हो, उनका हम दोनों ने बुकिंग किए। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर राम सिंह ले रहा होगा, तो ऐसा बात नहीं है गाइस। तो ये जो बाइक है किसका है, कौन ऑर्डर करने दिया है, आज का वीडियो में सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मेरे पास कुछ फूटी कौड़ी का औकात नहीं है, 1% भी नहीं है, कुछ पैसा कुछ नहीं है मेरे पास, बहुत हद से ज़्यादा गरीब हूँ अभी, ठीक है, लेकिन गरीब सोच नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा गरीब हूँ अभी तक, अभी का वक्त में। तो गाइस मैं बता देना चाहूँगा, ये जो बाइक था मेरा चाचा ने मुझको ऑर्डर देने के लिए बोला था, जो गाँव बगल का, अपना चाचा नहीं, गाँव के जस्ट बगल में एक गाँव होता है पंसवा, तो वहाँ पर एक चाचा है, रिश्तेदार वाला चाचा। तो उन्होंने कहा कि आप टाउन में रहते हो, चौसा में रहते हो, तो मुझको बाइक लेना है, तो आप वहाँ पर जाके इंक्वायरी करके देखो फुल पेमेंट कितना देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा और मंथली EMI कितना कटेगा, वो सारा चीज़ थोड़ा सा पता करके आओ बोल के उन्होंने कहा, तो इसीलिए वहाँ पर गए हुए थे। आप सभी सोच रहे हो कि राम सिंह ले रहा होगा बाइक, ऐसा बात नहीं है, फूटी कौड़ी का भी औकात नहीं है मेरे पास बाइक लेने का, तो किसी दिन शायद हो सकता है, तो नहीं बता सकता हूँ। तो सपना तो हर इंसान का होता है लेने का, लेकिन कभी फ्यूचर में लिया जाएगा, शायद ही बोलेंगे। तो गाइस तो यही था कि बाइक मेरा नहीं था, मेरे चाचा का है, तो धनतेरस का दिन लेंगे बोलता है, तो बुकिंग हो गया है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप गाइस आप सभी को मेरी छोटा सा ब्लॉग जरूर से पसंद आया होगा, पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा वीडियोस आप सभी के लिए डेली लाता रहूँगा, तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं गाइस दूसरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।